हो तुम अभी बच्चे लेकिन आवाज तुम्हारी बंदो जैसी, क्या सीन है ये? नहीं कभी भी नहीं। ओ किट्टो साडे को तो मुझे टिशू भी आ जाए, तुम टिशू भी खा जाओगे यार, खाओ जरा खाओ खाओ। हे गाइस अभी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं, इफ्तारी में भी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, चलते हैं। A few moments later. नमाज पढ़ ली है और जैसे ही नमाज पढ़ के मैं नीचे उतरा तो यहाँ स्टॉल लगाने के लिए लोगों ने अपने बर्तन रख दिए और यहाँ आप देख सकते हैं समोसे वगैरह तले जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लाइफ का खासा ये है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं आपको हर चीज़ अवेल हो जाती है। जैसे आपने समोसे लेने हैं तो समोसे यहाँ से मिल रहे हैं, और इसके अलावा आपने सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है तो कैंटीन पे अच्छा खासा मवाद मौजूद होता है आपकी सहरी और इफ्तारी के लिए। इफ्तारी के लिए समोसे वगैरह तले जा रहे हैं, आए हैं क्या कह रहे हैं, यहाँ समोसे भी पड़े हुए हैं। जितने भी अहबाब हैं जिनका रोज़ा होता है स्टूडेंट, कुछ बाहर चले जाते हैं, कुछ इफ्तारी करने के लिए अपने रूम में इन समोसे पकौड़ों खजूरों को लेकर चले जाते हैं, वहाँ से इफ्तारी करते हुए फिर खाना खाने के लिए कैंटीन का रुख करते हैं, पीसी ढाबे का रुख करते हैं जो कि बहुत मशहूर है। इसी ढाबा आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊंगा। यहाँ हमारे भाईजान समोसे पकौड़े तल रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और हॉस्टल लाइफ आया है। ये हॉस्टल नंबर 8 टीपू सुल्तान, यहाँ ऊपर आप देखेंगे मस्जिद है बिल्कुल कोने पर, और ये सभी के कपड़े वगैरह जो धुलते हैं और यहाँ खड़े हो जाते हैं, और नीचे पार्किंग है। पार्किंग का यहाँ अच्छा खासा निज़ाम है, सिक्योरिटी अच्छी खासी है, कैमरास बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, फिर भी कोई ना कोई मामूली कोताही हो जाती है क्योंकि इंसान है। पेट्रोल ख़त्म हो गया बाइक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इफ्तारी की है तो उसके बाद जरा यार थोड़ा दिल कर रहा था कुछ मीठा हो जाए कुछ ठंडा हो जाए, तो ठंडा और मीठा दोनों में अगर कोई चीज़ है तो वो है ये गंडेरियाँ। भाई जान गंडेरियाँ दे दें यार जरा 50 की, ठंडी है ठंडी है, चलो दे दो यार 50 की, ट्राई कर सकता हूँ ट्राई कर सकता हूँ। नमक लगा देना यार इसमें। जहाज की इतनी ज़्यादा है, क्या रेट है? 150 किलो। हो तुम अभी बच्चे लेकिन आवाज़ तुम्हारी बंदो जैसी, क्या सीन है ये? ये लो ओके थैंक यू यार। इफ्तारी कर ली और गंडेरियाँ भी खा ली, अब मौजूद हैं हम गोपम प्यारे भाईजन के साथ। भाईजन कैसे हैं आप? आपकी यहाँ पोस्ट कौन सी है पहले तो ये बताएं मुझे। कैशियर है माशाल्लाह, अच्छी खासी पोस्ट है, और आप देख रहे हैं यंग जवान है। हमारे लिए पहले इन्होंने मंगवाई जी खजूरें और साथ में यहाँ जूस आ गया, मिकी मैन सब लेकर आए हैं। आपको मिलवाने लेके जाना है, चले जी चलते हैं। तो मोहब्बतें बांटना हमारा असल खजीना है और असल फरीजा हमारा यही है। पहले तो इफ्तार में खा चुके हैं तो अभी जरा हम फिर से एक बार उसको खा लेते हैं। तो हमें मुयसर होती है ना खजूरें जो रमज़ान में होती हैं। शुक्रिया जी निकी मैन साहब, खुद पीता है तुम? नहीं मुँह नहीं लाया है ना। मज़ेदार। इफ्तारी के बाद वैसे तो किसी को खाने का दिल नहीं करता, लेकिन मेरा असल जो खाने को दिल करता है वो इफ्तारी के बाद ही। बेसिकली पाक पतन से कैसी जर्नी रही लाहौर की? 7 साल हो गए तकरीबन। 7 साल हो गए। अच्छा अच्छा, 3 साल हो गए इस कंपनी में, फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। मेरा यूनिवर्सिटी ना एडमिशन होया, पहले दिन मैं इन्हें कुरान दस मैं हॉस्टल ना लगा। ठीक है, तुम पता है अपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बड़े मामला नहीं लगता जल्दी, मैंने भी नहीं लगा लेता। बिल्कुल इस तरह फिर मैं इन्हें कुरान दस सही सही इन्हें जनाब इन्हें खाने का भी सीन करना मेरा ना एक सही टाइम का, मतलब सपोर्ट ही लेना यार, बड़ा सपोर्ट करता रहे, मतलब एज अ पिलर ये मतलब काम करता सही सही। इन्हें जो है ना मुसलसल मेहनत की थी और उस बाद इस लेवल पे पहुंच जाए। जर्नी में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं बंदे को, आपको कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात सामना करना पड़ा कि आप यहाँ तक पहुँचे? तो आपको पता है यार घर वालों की होती हैं सबसे ज़्यादा टेंशन, बिल्कुल फैमिली में होती हैं, वो सबसे मुश्किल होता है कि वो आप अगर वोट कर गए तो फिर आप कामयाब हैं दुनिया। बिल्कुल, बाकी मुश्किलातें तो आती रहती हैं यार, बाकी अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हुई। तुम खजूर ही खाती जा रहे हो, बस कर दो। मैं ही खानी है।
मिकी मैन साहब है ना, तो रिजक लगे हुआ है, मेहनत कर रहे हो ना, किसी चीज की परवाह करनी नहीं चाहिए। कौन आपको देख रहा है, कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, लोगों की शुभलों की परवाह करनी नहीं चाहिए। मुंडा गया चल चल जरा जेबी जेबी चौन दे सारी नहीं नहीं चक ला भी चक ला दो तीन और अच्छा चल जेबी च खजूरा पा लिया जेबी मेन लगता है पानी की बोतल अगर जेबी च पैसा करना तो भी पा लेनी मारो मुझे मारो। के बाद लवाजमत में क्या है जी, बर्गर है, जिंगर बर्गर। खोलने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओहो गरम है, फुल गरम। हाँ, फुल गर्मा गरम। क्या बात है भाई, क्या बात है। मिकी मैन क्या बात है जी, अंदर दिखाओ जरा। हले जना कोई बेटे, हले तो बोतल भी आनी नहीं। तुम्हें तो खा ली नहीं, कभी भी नहीं। ओए अबे साले, मिक्की तू एडा पागल है, तेन कुत्ते ने वड़े आया। मैं जरा साइड ते कर लवा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हाय 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 हाय, क्या कहने भाई जी। मैंने अपना हिस्सा खा लिया जितना मुझे खाना था, क्योंकि इसके बाद कुछ और चीजें भी आ सकती है, कई और दोस्त कुछ भी मिल सकता है। बहुत तेज हो रहा है। तो मैं अपने पेट में एक जगह रखता हूँ यार, उसको मैं खा सकूँ। तो भाईजान आए, मैंने कहा चले आप दूसरा आधा हिस्सा खा ले, खाए जी। थोड़े को तो मुझे टिशू भी आ जाए, तुम टिशू भी खा जाओगे। खाओ जरा, खाओ। बिस्मिल्लाह। पाँच से छः साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अच्छी खासी स्ट्रगल के बाद अब ये कैशियर हैं यहाँ, और कुछ अरसे बाद ये मैनेजर भी बन जाएंगे। पोस्ट बढ़ती चली जाएगी, सिर्फ एक नतीजा है कि आप मेहनत करें। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलकर, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर भी। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे। आज आप कैशियर हैं, इंशाल्लाह एक दिन आप मैनेजर भी हो इंशाल्लाह। तो अब मुलाकात होगी मेरे ख्याल में कि आप मैनेजर जब बन गए इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी अब चलते हैं, बाइक को हम किक मारते हैं जी। तो गाइज अभी मैं वापस पहुंचा हूँ रूम में, तो मुझे पता चला जी मेरा नया पे का कार्ड है वो आ चुका है, मैंने अप्लाई कर रखा था। तो अभी ज़रा इसको ओपन करते हैं। कार्ड की बड़ी ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि आगे आने वाली कुछ खुशियां हैं जो आपके साथ शेयर करनी है यूट्यूब के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो फर्दर शेयर करेंगे नए व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में। तो बस आपने सपोर्ट करते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इसको ज़रा मैं ओपन करता हूँ। चलो जी इसको ज़रा ओपन कर ले। ये इसके अंदर इन्वेलप है जी। कार्ड हमारा किधर है, किधर गया कार्ड, कार्ड किधर है, ये रहा कार्ड। इसकी ज़रूरत बड़ी ज़्यादा है मुझे, अक्सर कहा था किसी दुकान से तो पैसे निकलवा नहीं सकते हो, तो एटीएम की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, नए व्लॉग में नई उम्मीद के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।